हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिवम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि फिजिकल जो क्वांटिटीज जो होती हैं उसकी अगर आपको डेफिनेशन देनी हो तो आप उसको किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, उसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। एग्जाम के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटीज विद एनी एग्जाम्पल, तो आप किस प्रकार से आंसर अपना सेट करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, चाहे वो नोट्स हो, वीडियोस हो, मॉडल पेपर हो, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो, प्रीवियस ईयर के पेपर हो, सब कुछ अगर फ्री में चाहिए हो तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं किसको किस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है फिजिकल क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज विच कैन बी डिफाइंड एंड मेजर्ड आर फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप डिफाइन कर सको और जिनको आप मेजर कर सको, आप बता सको कि कोई भी जो चीज है वो कितनी बड़ी है, कितनी उसके अंदर वेट है। जैसे हम किसी भी चीज़ के वेट की बात करते हैं, कोई भी चीज़ है अगर हम उसके वेट की बात कर रहे हैं या फिर हम उसके मास की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसको मेजर कर पा रहे हैं, हम उसको मेजर कर पा रहे हैं। और अगर जैसे एक किलोग्राम है, एक किलोग्राम का मतलब क्या होगा, हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं। तो अगर किसी चीज़ को डिफाइन कर सके और उस चीज़ को मेजर कर सके, दोनों अगर किसी चीज़ के अंदर क्वालिटीज पाई जाती हैं तो उस चीज़ को फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। तो वापस से देख लीजिए, द क्वांटिटीज विच कैन बी डिफाइंड एंड मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब सर इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उसके अगर एग्जाम्पल लिखना हो। ये तो होगी डेफिनेशन कि भाई ऐसी कोई भी चीज़ जिसको डिफाइन कर सके, जिसकी डेफिनेशन आप दे सके और उसको मेजर कर सके, उसको नाप सके। जैसे एक लीटर दूध, तो आप उसको मेजर कर पा रहे हैं ना कि भाई ये एक लीटर है, तो इस प्रकार से उसका मेजरमेंट भी कर सको और उसको डिफाइन भी कर सको, तो उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब सर एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, देखिए फोर्स, किसी भी चीज पे जो फोर्स लगता है आप उसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, और उसको मेजर भी कर सकते हो कि किसी भी चीज पर जो फोर्स लग रहा है वो कितने, जैसे एक न्यूटन फोर्स लग रहा है तो आप उसको मेजर कर पाए ना कि भाई उस पर एक न्यूटन फोर्स लग रहा है या फिर दो न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो आप उसको मेजर भी कर सकते हो और डिफाइन भी कर सकते हो कि फोर्स जो है उसकी डेफिनेशन क्या होगी। इसी तरीके से डिस्टेंस, डिस्टेंस वन पॉइंट से अनदर पॉइंट के बीच के अंदर जो डिस्टेंस होती है आप उसको डिफाइन कर सकते हो और उसको मेजर भी कर सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक मीटर, दो मीटर, पाँच मीटर, इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो, मेजर भी कर सकते हो। इसी प्रकार से टाइम, करंट एटसेट्रा जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसके हैं, फिजिकल क्वान्टिटीज के एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको आप डिफाइन कर सको और मेजर भी कर सको, फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। जैसे फोर्स, डिस्टेंस, टाइम और करंट एटसेट्रा और भी लिख सकते हो, ठीक है। द लॉज ऑफ फिजिकल फिजिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज, जो अपने फिजिक्स के अंदर जितने भी लॉज हैं वो इन चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, किसको, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इससे रिलेटेड जितने भी हमारे को टर्म्स हैं उसको डिस्क्राइब कौन करता है, जो हमारे फिजिक्स के अंदर जो लॉज हैं वो सब इन टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं। फिर बात आती है कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, तो यूनिट्स की बात तो हम आगे करेंगे, हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। हमने अभी दो चीजें देखी, एक तो डेफिनेशन और एक मेजरमेंट। तो यहां पर मेजरमेंट क्या होता है वो देख लेते हैं। मेजरमेंट इज अ मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विच ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी, हम कोई एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी ले लेंगे
और उसकी कंपेयर करेंगे किसी अननोन चीज की तुलना में। कैसे, वो देखिए। जैसे मान लो कि हमने यूनिवर्सल एक चीज बना ली कि भाई ये चीज है और इसका वेट है 1 किलोग्राम, ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड, ठीक है। अब कोई भी जो चीज है अगर वो इसके बराबर है तो इसका मतलब वो 1 किलोग्राम की होगी। अगर कोई हमारे पास अननोन चीज है, ये इसका हमारे को वेट निकालना हो, अगर ये इसके बराबर हो रही है इसका मतलब ये 1 किलोग्राम की है, अगर ये इससे डबल है तो इसका मतलब ये 2 किलोग्राम की हो गई, अगर ये ट्रिपल है तो ये 3 किलोग्राम की हो गई, अगर ये इससे आधी है तो ये 1/2 kg की हो गई। तो इस प्रकार से कोई भी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी ले लेंगे कोई भी और उसकी कंपेरिजन करेंगे हम अननोन चीज के लिए, जो हमारे पास अननोन चीज है उसका मेजरमेंट करेंगे उससे कंपेयर करके। जैसे मान लो ये पेन है, अगर मैं इसको एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी मना लेता हूं कि इसका जो ये पूरा लेंथ है वो 1 मीटर है, अब कोई भी दूसरी चीज है हम उसका अगर मेजरमेंट करें कि इसकी लेंथ बताओ, अगर वो इसके बराबर है तो हम बोल देंगे कि वो 1 मीटर लंबी है, अगर वो इससे डबल है तो हम बोल देंगे कि ये 2 मीटर लंबी है, अगर ट्रिपल है तो 3 मीटर, या फिर हम इसको आधा कर लेंगे तो इसका मतलब इतनी अगर कोई चीज है तो बोल देंगे कि 1/2 मीटर, अगर इसकी 1/4 है तो इसका मतलब कितना हो गया, 1/4 मीटर। तो इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेंगे और उससे फिर अननोन जो चीज है उसको मेजर कर सकते हैं। तो यही बोल रहे हैं कि मेजरमेंट इज अ मेथड, एक ऐसा तरीका है जिसमें कंपैरिजन करेंगे, एक हम ले लेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी और अननोन क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए। दिस फिक्स्ड और डिफाइंड डेफिनेट क्वांटिटी विच वी टेक एज ए स्टैंडर्ड एंड बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन मेजर अदर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इज डिफाइंड एज द यूनिट। और हम जो डिफाइंड क्वांटिटी ले रहे हैं, जैसे मैंने एक ये चीज ले ली कि भाई इसकी लेंथ है 1 मीटर, तो जो मीटर मैं ले रहा हूं इसका मतलब मीटर क्या हो गया, वो हो गई यूनिट, वो हो गई यूनिट। जो मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी ले रहा हूं भाई इसकी लेंथ 1 मीटर है, तो मीटर मीटर जो मैं ले रहा हूं वो क्या है, वो यूनिट हो गई। द मेजर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स, नेमली द मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट। जो मैंने अभी बात की कि भाई मेरा पेन जो है मैंने इसको क्या ले लिया, स्टैंडर्ड ले लिया, ये स्टैंडर्ड है भाई लेंथ के लिए, और किसके लिए, लेंथ के लिए, ठीक है, और मेरा जो पेन है उसकी लेंथ है 1 मीटर, ठीक है। अब मैं किसी दूसरी जो हमारे पास अननोन चीज है उसका हम क्या करेंगे, उसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कहने का मतलब वो कितनी लंबी है, उसकी लेंथ क्या है। तो अगर वो इस पेन के बराबर है तो मैं बोल दूंगा 1 मीटर है, अगर इससे डबल है मतलब इतनी बड़ी है तो मैं बोल दूंगा 2 मीटर, अगर वो और ज्यादा बड़ी है तो 3 मीटर, ठीक है। तो एक मैं लिख रहा हूं जैसे 2 मीटर लंबी है, इसके अंदर दो चीजें आ रही है, एक तो 2 यानी कि 2 और एक आ रही है मीटर। तो ये जो 2 लिख रहे हैं, जो मैथमेटिकल हम जो चीज लिख रहे हैं उसको तो क्या बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं यूनिट, इसको तो क्या बोलते हैं, यूनिट, कि भाई हम मीटर के अंदर माप रहे हैं, तो मीटर जो है वो तो क्या हो गई, यूनिट। और जो मैथमेटिकल जो लिख रहे हैं जैसे 2, 4, 5, 7 वो हो गया मैग्नीट्यूड। तो हम जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लिखते हैं तो उसके अंदर दो चीजें लिखते हैं, एक तो जो मैथमेटिक्स के अंदर जो चीज लिखते हैं 1, 2, 4, 5, 7 आधा 1/4 इस प्रकार से जो लिखते हैं, जो मैथमेटिकल जो चीज है वो तो हो गया मैग्नीट्यूड। जैसे 1 मीटर मैंने लिखा तो 1 जो है वो तो हो गया मैग्नीट्यूड, और जो मीटर लिख रहा हूं वो हो गया क्या, उसका यूनिट। तो दो चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और एक होता है यूनिट। तो जो मैथमेटिकल जो चीज होती है जैसे 3 मीटर है या फिर 3 किलोग्राम है, तो 3 तो क्या हो गया मैग्नीट्यूड, और किलोग्राम क्या हो गया, उसकी यूनिट।
द मेजर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस इन टू पार्ट्स. हमने दो पार्ट्स हमारे देख लिए, एक तो होता है मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो हम मैथमेटिकल जो चीज लिखते हैं जैसे 2, 4, 5, 7 इस प्रकार से, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से जो मैथमेटिकल चीज होती है वो तो होता है मैग्नीट्यूड. और दूसरा है यूनिट, हम जैसे मीटर किलोग्राम इस प्रकार से लिखते हैं वो होती है उसकी यूनिट. एग्जाम्पल देखिए, व्हेन वी से फोर्स इज 12 न्यूटन, अगर हम कहते हैं कि भाई किसी भी चीज पर 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो देखिए इसके अंदर दो चीजें हैं, कौन कौन सी हैं, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है ठीक है, और इस पर लग रहा है 12 न्यूटन का फोर्स और इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, तो इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो ये मैथमेटिकल वाली चीज और एक है न्यूटन. तो ये तो क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड, जो 12 जो मैथमेटिक्स के अंदर लिखी जाती है वो तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और जो न्यूटन लिखा हुआ है वो हो गया इसका यूनिट. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो मैग्नीट्यूड की और एक उसके यूनिट की. तो एग्जांपल दे रखा है, जैसे वी से फोर्स इज 12 न्यूटन, इनफैक्ट वी कैन नाउ मेजर स्पीड ऑफ लाइट आल्सो, 12 इज द मैग्नीट्यूड एंड न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स. तो अगर हम देखें भाई न्यूटन क्या है, तो जो फोर्स होता है उसकी यूनिट होती है, और जो 12 लिखा हुआ है वो क्या है, वो है उसका मैग्नीट्यूड. तो इस प्रकार से हम जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. उसके अंदर दो चीजें चाहिए हमारे को, एक तो उसका यूनिट चाहिए और एक उसका मैग्नीट्यूड चाहिए. और मैंने इस जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी हो तो हम लिखेंगे कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो डिफाइन किया जा सके और मेजर भी किया जा सके, जिसकी डेफिनेशन भी आप दे सकते हो और उसका मेजरमेंट भी अगर आप कर सकते हो, तो ऐसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी. एग्जाम्पल मैंने बता दिया, फोर्स, डिस्टेंस, टाइम और करंट. और फिर इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक तो उसके मैग्नीट्यूड की और एक उसकी यूनिट की. जैसे फोर्स को हम लिखते हैं, एक चीज समझ लो, जैसे यूनिट क्या होती है, जैसे फोर्स है उसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन. जैसे लेंथ है इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर. जैसे वेट है, वेट की क्या हो गई, किलोग्राम. जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस की भी क्या हो गई, मीटर. तो इस प्रकार से ये क्या है, ये जितनी भी चीजें हैं ये हो गई यूनिट, ठीक है. ये क्या हो गई पूरी चीजें, यूनिट. और जैसे लिखा हुआ कि भाई 2 मीटर, 2 पॉइंट हैं यहां और यहां, इनके बीच की डिस्टेंस है 2 मीटर, ठीक है. तो मैं जो 2 लिख रहा हूं ये तो है उसका मैग्नीट्यूड, और जो मीटर है वो क्या है, इसकी यूनिट. किसकी यूनिट है, ये डिस्टेंस की है. लेंथ मान लो, डिस्टेंस मान लो, इसकी हो गई यूनिट. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमारे को लिखना हो तो दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका यूनिट. तो इस टॉपिक में इतना ही था, सिर्फ हमारे को फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन देखनी थी. अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं 8696608541, इस पर से अगर आपको नोट्स वगैरह कुछ चाहिए हो तो आप हमारे को मैसेज कर सकते हो, फ्री के अंदर आपको नोट्स भेज देंगे. और बाकी जो हमारी शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो तो आप हमेशा मोबाइल के अंदर इंस्टॉल रखा करो, उसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा. किसी भी चीज़ के लिए कोई भी चीज़ पैसे पे करने की आवश्यकता नहीं है. तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच.